मान लो तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, तुम्हें क्या करना है पता है? नहीं ना, बताता हूँ। चलो तो भाई, मान लो तुम्हारी गाड़ी है ना, यहाँ पर कुछ एवरेज स्पीड है 60-70 की, आपको इंजन ब्रेकिंग करनी है, यानी कि क्लच की मदद से सिर्फ गियर लो करना आपको। अभी समझो मैं फिफ्थ गियर में हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्लच की मदद से फोर्थ गियर में आऊंगा, ठीक है। गाड़ी स्लो डाउन होगी, फिर मैं यहाँ पर थर्ड गियर में आऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेकंड गियर डाल देंगे, ये देखो झटका ले रही है गाड़ी, ठीक है। ये करते जाएंगे हम, आरपीएम आपका इंक्रीज होगा, और फिर एक पॉइंट पे आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट गियर अपना लगा देना है, और फिर झटके से एक पॉइंट पे ना आपकी गाड़ी यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब ये तो हो गया जो मैनुअल गाड़ी चलाते हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑटोमेटिक वाले क्या करें, सीधा जान देते? नहीं भाई, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ी में भी मैनुअल मोड होता है, जो प्लस माइनस वाला होता है, वहां से आप इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो। अगर आपके पास सीवीटी या डीसीटी गियर बॉक्स की गाड़ी है तो पैडल शिफ्टर्स की मदद ले सकते हो। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इंजन ब्रेकिंग के दौरान एसी को चालू रखना, इंजन पे वो लोड डालेगा और आपकी पावर जल्द से जल्द रिड्यूस करेगा, एक पॉइंट पे आपकी स्पीड जल्दी भी कम हो जाएगी। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर कभी आपके पास रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहा हाईवे पे इतना, तो ये जो इंजन ब्रेकिंग की टेक्निक है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको और आपकी गाड़ी को, दोनों को ये बचा सकती है ठुकने से। सो भाई, वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और मेरा चैनल